दोस्तों, हॉलियंस परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मुकेश शाह एक त्वचा रोग तज्ञ हूँ और पिछले 20 सालों से कल्याण और डोंबिवली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सूर्य की रोशनी हम सबको ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है। पृथ्वी पर का जीवन सूर्य की किरणों के बिना संभवित ही नहीं है। सूर्य की इन किरणों में जैसे इंफ्रा रेड रेज होते हैं, वैसे अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं जो हम इंसान की आंखों को दिखते नहीं है। इसके तीन प्रकार है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी। सी की किरणें वातावरण में ओजोन नाम की जो लेयर है उसे फिल्टर कर देती है, मतलब हमारे तरफ आने नहीं देती। अगर सी की किरणें हम सब पे गिरती तो हम सबको स्किन कैंसर हो जाता, तो सी हम तक नहीं पहुंचता। अब हमारे स्किन के ऊपर जो किरणें गिरती है वो है अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी। अल्ट्रावायलेट बी कुछ 5% से भी कम मात्रा में होता है, जबकि 90% से ज्यादा जो किरणें गिरती है वो है अल्ट्रावायलेट ए, जिन्हें हम लॉन्ग वेवलेंथ बोलते हैं, 320 to 400 नैनोमीटर। एक की किरणें स्किन की बाह्य त्वचा और अंतर त्वचा मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस तक पहुंचती है, और यही किरणें हैं जिनकी वजह से हमें झुर्रियां या बुढ़ापा जो चेहरे पे आता है, टैनिंग, हम सबकी स्किन जो काली हो जाती है वो इन किरणों की बदौलत होती है। एजिंग इज बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट ए रेज, और जो कि 90% से भी ज्यादा इन किरणों में टोटल परसेंटेज है, जबकि अल्ट्रावायलेट बी केवल 5% या 10% से कम गिरता है। वो शॉर्ट वेवलेंथ है, सिर्फ एपिडर्मिस तक पहुंचता है, और हमारे जो बादल है उसकी वजह से वो थोड़ा फिल्टर होता है। फिर अगर टिंटेड ग्लास, कोई काले ग्लास के अंदर अगर बैठा हूं तो अल्ट्रावायलेट बी की किरणें और कम हो जाएगी, स्किन की एपिडर्मिस उसको और फिल्टर करेगी। तो उसकी अल्ट्रावायलेट बी की किरणें तो कम मात्रा में है और वो फिल्टर होते होते और कम मात्रा में होते हैं। अब हम जब भी कोई सनस्क्रीन खरीदते हैं तो हम सब फटाक से क्या देखते हैं, SPF, सन प्रोटेक्टिव फैक्टर। बट उसका मतलब क्या है, अल्ट्रावायलेट बी से कितना गुना प्रोटेक्शन, रक्षण। जैसे मेरे पास एक सनस्क्रीन है जिसका SPF 10 है, मतलब 10 गुना प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट बी। अल्ट्रावायलेट बी ज्यादातर सन बर्न्स करता है, स्किन को जलाता है। जो फॉरेनर्स हम देखते हैं जिनका स्किन बहुत गोरा होता है, मेलानिन कम होता है, तो उनकी स्किन जल्दी से जल जाती है, तो उनके लिए अल्ट्रावायलेट बी से प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। SPF 10 का मतलब है कि अगर बिना सनस्क्रीन मैं अगर बाहर खड़ा रहता हूं तो 10 मिनट में अगर मेरी स्किन जल जाएगी, तो SPF 10 का सनस्क्रीन में लगाऊंगा तो मेरी स्किन 100 मिनट के बाद जलेगी। आई थिंक आप समझते हैं। तो ये सिर्फ एंड सिर्फ अल्ट्रावायलेट बी का बात कर रहे हैं, जबकि हमको 90% से ज्यादा क्या गिर रहा है, अल्ट्रावायलेट ए। हम एशियंस को, भारतीयों को क्या चाहिए, हमारा इंटरेस्ट क्या है, एजिंग, रिंकल्स, टैनिंग, हमको ग्लो चाहिए, तो उसके लिए हमको प्रोटेक्शन चाहिए UVA से प्रोटेक्शन, और उसके बारे में SPF उसी का बात नहीं करता है। तो आजकल UVA के लिए एक नया फैक्टर आया है जिसे कहते हैं PA, PA1+, PA2+ या PA3+। PA3+ मतलब UVA से ज्यादा प्रोटेक्शन। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ऑडियंस परिवार भारतीय मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया रिसर्च प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी स्किन सनस्क्रीन UVA प्रोटेक्शन वाला लॉन्च कर रहा है, जिस स्किन राइज सनस्क्रीन अक्वा जेल, ड्राई और ऑयली दोनों स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है लगाने में, आप देख सकते हैं। और ये 100 ml है पूरा। इसके अंदर जो एक फैक्टर है TinoSorb-M, वो एक रिसर्च प्रोडक्ट है, एक बहुत ज्यादा मात्रा में है इसके अंदर, 5% की मात्रा में है, काफी महंगा है, और ये UVA से मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है। ऐसे घटक वाले जो एक दो सनस्क्रीन मार्केट में उपलब्ध है वो 60 ग्राम, 75 ग्राम, 900, 950, 1000+ MRP पे है, जबकि ये 100 ml सिर्फ 400 रुपये में लॉन्च किया जा रहा है। मैं दोस्तों दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इसे सुबह और दोपहर अगर लगाते हैं, आप हम दिखाएंगे कैसे लगाना है, और आप आपका मोबाइल में आपका फेस का अगर फोटो लेते हो और 15 दिन पे, अगर केवल फर्स्ट 15 दिन में ही आपके चेहरे पे चेंजेस दिखने लगेंगे,
स्किन पे ग्लो आने लगेगा, फ्लॉलेस स्किन जिसकी हम सबको चाह है। और आपके फ्रेंड्स रिश्तेदार आपको पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपका सीक्रेट क्या है, और वो सीक्रेट कुछ भी नहीं है, स्किन राइज सनस्क्रीन अक्वा जेल है जो रोज सुबह और वापस दोपहर को हमें लगाना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि उसे कैसे लगाते हैं। पहले आप सनस्क्रीन को हमेशा अच्छे से हिलाइए, शेक करिए और अच्छी क्वांटिटी में सनस्क्रीन लेना है बस, मतलब तो वन फिंगर की यूनिट हम बोलते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, बहुत कम लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आया। और जितना भी अच्छा सनस्क्रीन होगा वो शुरुआत में आपको ऑयली महसूस करेगा। हमारी एक कॉमन कंप्लेंट होती है कि सनस्क्रीन से चिपचिपाहट होती है, ऑयली लगता है, बट शुरुआत में, और ये देखो परफेक्ट लगा रही, इसे डॉट मेथड कहते हैं, मतलब जितना आपने सनस्क्रीन लिया उसको छोटे छोटे डॉट में हम डिवाइड कर दें ताकि चेहरे के सारे हिस्सों को इक्वल मात्रा में सनस्क्रीन मिल जाए। जब हम सुबह से शाम तक घर के बाहर रहते हैं तो हमारा चेहरा ही है जो वातावरण को फेस करता है और हमें उसे बचाना है। वेरी गुड, और उसे अच्छे से स्प्रेड करिए जैसे कि आप देख रहे हैं। अच्छा, शुरुआत में आपका चेहरा ऐसा सफेद, और हो सकता है कि घर के मेंबर आपको थोड़ा हंसे या जैसे आप जोकर जैसे लगे। ऐसी टेक्नोलॉजी है कि 5 मिनट में आप देखेंगे तो धीरे धीरे वो कलर अंदर, सनस्क्रीन अंदर चले जाएगा। 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आपको दिखेगा, आप खुद भूल जाएंगे कि मैंने लगाया है। और जैसे हम हमारे शर्ट के अंदर की स्किन देखते हैं, वहां झुर्रियां नहीं है, वहां पे एजिंग नहीं है, फेयर है, स्मूथ है, क्यों? बिकॉज वो प्रोटेक्टेड है। उस तरह भी इनके चेहरे पे एक न दिखने वाला बुरखा तैयार हो गया, और अभी वो बाहर जाने के लिए जैसे 10-15 मिनट के बाद चाहे तो वो टैल्कम पाउडर या फाउंडेशन भी लगा सकते हैं। और अभी आप कहां पे भी 15 मिनट के बाद जा सकते हो, आपके चेहरे पे एक्चुअली न दिखने वाला बुरखा बन गया, उसका 4 घंटे तक प्रोटेक्शन रहेगा, 4-5 घंटे बाद वो प्रोटेक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो दोपहर को आप चले जाएंगे सब्जी लेने को या मार्केट में, आपको लगेगा मैंने लगाया है तो नहीं, वो उड़ गया है, तो आपको दोपहर को वापस लगाना है। शाम को सनसेट होने के बाद सनस्क्रीन की कोई आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों मैंने संक्षिप्त में आपको जानकारी देने की कोशिश की है, वो आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और आप सब आज ही से होलियंस परिवार का ये स्किन राइज सनस्क्रीन अक्वा जेल यूज करिए, और मैं जैसे दावे के साथ कहता हूं 15 दिन और महीने के बाद आप ही अपना फोटो लीजिए और देखिए कैसा आपका चेहरा चेंज हो रहा है। holiansparivar.com करके वेबसाइट पे ये इजीली उपलब्ध है। धन्यवाद।